फ्रेंड, हम आज जानेंगे कि बिहार में जो अमीन की वैकेंसी निकली हुई है और जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वे अपने फॉर्म कैसे भरें। और मैं आपको बता दूं कि एक मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर भी आपको देख सकते हैं। वह वीडियो फ्रेशर के लिए है और मैंने फ्रेशर के लिए बताया है, और इसमें मैं एक्सपीरियंस वाले कैसे अपने फॉर्म भरे इसके लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको प्रोफाइल अपने पहले स्टेज में प्रोफाइल आपको फिलअप करना पड़ेगा, और उसके बाद में सेकंड स्टेज में बेसिक में आने पे में आपको उसी तरह जो जिस तरह बेसिक फ्रेशर आपको अपने फॉर्म फिलअप करते हैं उसी तरह फिलअप करना पड़ेगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको एक्सपीरियंस वाले को करना होगा। चलिए हम करके देखते हैं। इसमें नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे नीचे आइएगा तो देख रहे हैं नेशनलिटी। नेशनलिटी के नीचे ही आपको एक्सपीरियंस का डिटेल आपको यहाँ पे यस और नो यहाँ पे क्लिक करना होगा। यदि यहाँ पे आपको यस और नो क्लिक करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे आपको जो यहाँ पे क्लिक का बटन दिख रहा है, या आपका ओपन हो जाएगा, जैसे आपको देख रहे हैं ओपन हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप अपना काम कोई भी अमानत का वर्क किए हैं तो आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको पूछ रहा है यहाँ पे आपको कितना दिन अमानत का सर्विस किए हैं। मेंशन योर पीरियड ऑफ सर्विस अमानत इन मंथ, कितने मंथ किए हैं। यदि आप 2 साल किए हैं तो यहाँ पे आपको 24, यदि 3 साल किए हैं तो आपको 36, या आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 60 मंथ आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपको यदि गवर्नमेंट गवर्नमेंट इम्प्लाई हैं तो यहाँ पे आपको यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे जाके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेव और नेक्स्ट हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज में आ चुका हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपको एजुकेशन का क्वालिफिकेशन आपको फ्रेशर की तरह ही आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आपको फोर्थ स्टेज ओपन हो गया। वहाँ पे मैंने सेकंड स्टेज में आपको यस किया था, इसलिए आपको फोर्थ स्टेज पे आपको ओपन एक्सपीरियंस का आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। यदि यदि मैं नहीं किया होता तो आपको फ्रेशर की तरह ही आपको थर्ड स्टेज से आपको फोर्थ फिफ्थ स्टेज पे आपको हमको रिडायरेक्ट कर देता। और यहाँ पे आपको आइएगा तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लिख रहा है। आपको वर्क एक्सपीरियंस डिटेल एज 1 अगस्त 2019 स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट अप्लाई, यानी कहने का मतलब आपको 1 अगस्त 2019 के पहले तक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसमें आपको देखिए क्या क्या फिलअप करना पड़ेगा। आपको एक्सपीरियंस चीन, आप यहाँ पे मैं आपको ओपन क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए क्या खुला है। अमानत आर्मी फोर्स है या जनरल से है, अमानत किए हैं या आर्मी फोर्स से है या जनरल, आपको जनरली आपको जो आपको जो नापी करता है लोग उस तरह। उसके बाद में आपको नेम ऑफ द एम्प्लाई, किस टाइप का आपके एम्प्लाई थे वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको डिस्टिनेशन, आपको किस टाइप का वर्क किए थे, उसका टाइम पीरियड, आपको किस डेट से किस मंथ में किस ईयर से आपको किस डेट किस मंथ किस ईयर तक आपको काम किए, और ड्यूटी ऑफ नेचर ऑफ ड्यूटी, आपको किस टाइप का आपको ड्यूटी था। उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यानी आपको कितना दिन कितना 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 ईयर कितना ईयर कितना मंथ कितना डे आपको यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके आपको डालना पड़ेगा, या ऑटोमेटिक वह डाल देगा। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे आपको 5 कॉलम आपको आ रहा है, और आप लोग जानते ही हैं आपको 1 ईयर के एक्सपीरियंस के लिए 5 मार्क्स मिलेगा, और इस तरह आपको 25 मार्क्स आपको एक्सपीरियंस का होगा, और 75 मार्क्स आपको रिटेन का होगा। इस तरह आपको 100 मार्क्स का आपको पेपर होगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे टोटल एक्सपीरियंस मैक्सिमम 3 डिजिट, यदि यदि आपको 1 ईयर से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके डाल देगा वो। चलिए हम फिलअप करके देखते हैं। को फर्स्ट कॉलम में अमीन सेलेक्ट किया। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपको एम्प्लायर में अमीन लिख दिया। उसके बाद सर्वेयर, फील्ड सर्वेयर, उसके बाद में आपको कहीं से भी डाल सकते हैं। आपको कभी आपको कब से आप काम करना स्टार्ट किए हैं, जैसे मैंने 2013 स्टार्ट आपको निचले पॉइंट आपको रखा, जैसे आप लोग पहले देखे ही होंगे। मैंने आपको 60 60 मंथ का आपको एक्सपीरियंस आपको मैंने डाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 2013 से 2018 के बीच में आपको डाला। उसके बाद में आपको फील्ड सर्वेयर डाला, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको 5 साल 1 मंथ आपको कैलकुलेट करके हमको बता दिया। उसके बाद में आपको नीचे आपको टोटल मंथ भी बता दिया। उसके बाद में यदि आपके पास और एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे और टाइप का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप लोग देख रहे हैं सेव एंड नेक्स्ट हो रहा है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद में आपको जैसे देख रहे हैं फ्रेशर की तरह ही आपको डॉक्यूमेंट्स आपको फिलअप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, प्रीव्यू, उसके बाद पेमेंट, और उसके बाद में आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। और यह वीडियो बनाने का मेन पर्पस, हमारे पास एक आपको मेरे ही व्यूअर का आपको एक कमेंट आया था कि आप एक्सपीरियंस वाला आप वीडियो बनाइए, इसलिए मैंने आपको यह एक्सपीरियंस वाला आपको वीडियो बनाया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी आपको शेयर करें, ताकि उनको वे भी यदि उनके पास भी एक्सपीरियंस है तो वे अपने फॉर्म फिलअप आसानी से कर सके ये वीडियो देख के।